Hello everyone, welcome to my channel and this is Vinita Bishnoi and we are starting with a new topic of chapter photosynthesis. This topic is dark reaction, again a very important process or the part of photosynthesis. हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि जो photosynthesis होते हैं उनके दो phases होते हैं. One is the light phase, other is the dark phase or dark reaction. तो जो भी light phase में प्रोडक्ट बनते हैं दैट इज एटीपी एंड एनएडीपीएच2. दीज आर द एनर्जी मॉलिक्यूल जो कि लाइट रिएक्शन में बन रहे हैं दैट विल बी यूटिलाइज्ड इन द डार्क रिएक्शन. तो हम इसे डार्क रिएक्शन इसीलिए कहते हैं बिकॉज इसलिए नहीं क्योंकि ये डार्क में हो रहा है. ये डार्क में हो रहा है या लाइट के द इम्पोर्टेंट थिंग इज लाइट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द डार्क रिएक्शन. लाइट हो ना हो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक क्लोरोप्लास्ट के अंदर एटीपी एंड एनएडीपीएच2 है. तो दिन हो वो रात हो कोई फर्क नहीं पड़ता. द मेन रिक्वायरमेंट फॉर डार्क रिएक्शन इज एटीपी एंड एनएडीपीएच2 विच इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस लाइट रिएक्शन. उसके बाद ये जो डार्क रिएक्शन होता है इसको हम बायोसिंथेटिक फेज भी बोल सकते हैं बिकॉज यहां पे सिंथेसिस हो रहा है बायोमोलिक्यूल का दैट इज द ग्लूकोज. तो ये जो डार्क रिएक्शन है इट विल हैपन इन स्ट्रोमा और हम इसे बोल सकते हैं मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट. Why it is happening in stroma or matrix? Because enzymes required for this process, it is present in the stroma. तो ये जो dark reaction है it is an enzyme mediated cycle and इसके लिए जो enzymes होते हैं वो stroma region में ही present होते हैं chloroplast के. This technique was this dark reaction was initially established by Blackman and later on it was studied by Kelvin. केल्विन ने इसको स्टडी किया था और ब्लैकमैन ने इसको इनिशियली स्टेबलाइज किया था. ये जो डार्क रिएक्शन है डार्क रिएक्शन को की जो स्टडी थी दैट वाज हैपेंड ऑन एल्गे क्लोरेला एंड द टेक्निक विच वाज यूज्ड हियर वाज रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक. और इसमें जो मेन दो टेक्निक्स यूज किए थे दैट वाज रेडियो एक्टिव कार्बन क्रोमैटोग्राफी एंड ऑटो रेडियोग्राफी. ओके सो यू हैव टू रिमेम्बर कि डार्क रिएक्शन क्या होता है, किस तरीके से कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, हर स्टेप पे कौन से केमिकल्स बन रहे हैं, उसकी नॉलेज नहीं थी. तो केल्विन ने इस टेक्निक को यूज करके उन्होंने क्या किया, जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो रेडियो एक्टिव कार्बन यूज किया एंड रेडियो एक्टिव कार्बन को ट्रेस करना शुरू किया कि रेडियो एक्टिव कार्बन पहले कौन सा केमिकल बना रहा है, फिर क्या बनाता है. इस तरीके से उन्होंने पूरे केल्विन साइकिल को प्रोड्यूस किया. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन ऑफ केल्विन साइकिल. अब ये जो डार्क रिएक्शन होता है इट इज हैविंग टू मेजर पाथवेज. टू टाइप्स ऑफ मेजर पाथवेज आर देयर इन डार्क रिएक्शन. वन इज कॉल्ड C3 पाथवे and other is called C4 pathway. C4 pathway को hatch and select pathway भी बोलते हैं
एंड C3 को केल्विन पाथवे कहते हैं। तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि मेल्विन केल्विन ने ये वाले पाथवे के बारे में बताया, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड केल्विन पाथवे और केल्विन साइकिल। C4 पाथवे के बारे में हेच एंड स्लेक ने बताया, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेच एंड स्लेक पाथवे। सो डार्क रिएक्शन इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट, इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट। तो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है और लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है ATPN, NADPH2 एंड इसको यूटिलाइज करके ग्लूकोज बनाया जाता है स्ट्रोमा के अंदर। तो अब हम बात करते हैं पहले C3 पाथवे की और उसके बाद हम C4 पाथवे के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद केल्विन साइकिल और C3 साइकिल। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई केल्विन साइकिल? दैट आई टोल्ड यू, मेल्विन केल्विन ने इसको स्टडी किया था सबसे पहले बार, इसलिए इसको केल्विन साइकिल बोलते हैं। एंड C3 इसलिए बोलते हैं बिकॉज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ दिस साइकिल इज हैविंग 3 carbon। तो पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है उसमें 3 carbon है, दैट इज वाई वी कॉल इट एज C3 पाथवे। C3 पाथवे जो होता है इसमें सबसे पहले क्या होगा कि C3 पाथवे इज हैविंग 3 different phases विच वी आर गोइंग टू डिस्कस 1 by 1। पहला फेज जो होता है वो कार्बोक्सिलेशन होता है, सेकेंड फेज जो होता है उसको रिडक्शन कहते हैं, जिसके अंदर रिडक्शन के अंदर ही हम रिडक्शन एंड फॉस्फोराइलेशन दोनों स्टेप कंसीडर करेंगे, एंड थर्ड वन इज रीजेनरेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टोमेटा के थ्रू CO2 विल एंटर इनटू द मेसोफिल सेल एंड मेसोफिल सेल के, अच्छा चलिए एक और चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है कि ये C3 पाथवे कहां पे हो रहा है, इट इज हैपनिंग इन मेसोफिल सेल्स। ठीक है, तो जो भी लीफ होता है, लीफ में आपको मैंने बताया था साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में कि मेसोफिल सेल्स होते हैं, तो मेसोफिल सेल्स के स्ट्रोमा में ये रिएक्शन हो रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग, सबसे पहले CO2 विल कम एंड CO2 विल बी एक्सेप्टेड बाय रिब्यूलोज 1,5-bisphosphate। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर विल एक्सेप्ट। तो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन है, रिब्यूलोज 1,5-bisphosphate, जिसको आप RUBP शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। साथ में आपको कार्बन की काउंटिंग भी करती रहनी पड़ेगी। यहां पे 1 carbon एटम है एंड हियर यू विल सी देयर आर 5 carbon इन इट। अब जब 5 and 1 carbon ज्वाइंट होंगे, कंबाइन होंगे, दे विल मेक 6 carbon कंपाउंड। बट मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट में 3 ही carbon होते हैं, बट यहां पे तो 6 carbon है, बट दिस 6 carbon इज अ अनस्टेबल प्रोडक्ट एंड इट विल सून ब्रेक डाउन इनटू 2 molecules ऑफ 3 carbon कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, 3-phosphoglyceric एसिड बोल सकते हैं, इसका हम शॉर्ट फॉर्म 3-PGA। सो फर्स्ट रिएक्शन इज हैपनिंग, दैट इज 1 carbon मींस कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सेप्टेड एंड इट विल रिएक्ट विद रुबिलोज बाइफॉस्फेट एंड दैट विल फॉर्म 1 unstable कंपाउंड ऑफ हैविंग 6 carbon विच विल सून ब्रेक डाउन इनटू 2 molecules ऑफ 3 carbon कंपाउंड, दैट इज 3-phosphoglyceric एसिड। This reaction is the first reaction carboxylation. क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व है इसीलिए this process is carboxylation process. And the very important thing over here is
The enzyme which is involved in this is Rubisco enzyme. You know this enzyme is rubulose bisphosphate carboxylase and oxygenase. ये एंजाइम जो है इट इज द मोस्ट इम्बंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर. आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा था तो उसमें इस चीज का जिक्र किया गया था कि रुबिस्को जो है वो मोस्ट इम्बंडेंट प्रोटीन है क्योंकि वो एंजाइम है एंड एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. सो इट इज द मोस्ट इम्बंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर. ये जो रुबिस्को एंजाइम है इसका ड्यूअल नेचर है. पहला कि ये कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस भी करता है, ऑक्सीजनेशन मतलब कि रेस्पिरेशन प्रोसेस भी करता है. तो इसका ड्यूअल फंक्शन कैसे है कि अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ तो ये कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस करेगा, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इस एंजाइम के एनवायरमेंट में ज्यादा हुआ तो ये रेस्पिरेशन करेगा. वेरी सिंपल. सो हियर इन दिस रिएक्शन एज CO2 इज देयर नियर दिस एंजाइम देन दैट इज व्हाई इट इज स्टार्टिंग विद द कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस दैट इज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. तो इस एंजाइम की हेल्प से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना. नाउ दिस 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड विल बी फॉस्फोराइलेटेड विद द हेल्प ऑफ एटीपी एंड एटीपी अपना फॉस्फेट देगा एंड इट विल बिकम एडीपी. अब आप एक चीज देखिए, यहां पे आपके पास दो मॉलिक्यूल्स है पीजीए के, तो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक अप टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी. नाउ द प्रोडक्ट विल बी 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. अगेन इट विल बी टू मॉलिक्यूल्स ओवर हियर एंड दिस प्रोसेस बिकॉज यू आर एडिंग फॉस्फेट टू द substrate, that is why it is called phosphorylation. And ATP is there, so it is the product of light reaction. अब पहले से ही third पे था, मैंने आपको ये यहां पे draw करके भी बताया. I am drawing here, तो यहां पे third पे phosphate था और आपने first पे भी phosphate डाला, तो first वाला phosphate का donor will be ATP. Now the next reaction will occur and here NADPH2 will give its hydrogen and it will form NADP and this will be two molecules again क्योंकि हम दो molecules का काम कर रहे हैं. So the product here will be 3-phosphoglyceraldehyde. This process is the reduction process. क्योंकि आपने हाइड्रोजन को ऐड किया है सबस्ट्रेट में. अब आप पूछोगे यहां पे तो थर्ड पे ही है, दिस इज द टू मॉलिक्यूल. लेट मी राइट इट विद रेड पेन. टू मॉलिक्यूल्स तो आप पूछोगे यहां पे थर्ड कार्बन पे है तो फर्स्ट कार्बन वाला फॉस्फेट कहां गया. सो इट्स वेरी सिंपल, जो यहां पे था दैट विल बी रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. So now we got a triose phosphate sugar. इसको हम triose phosphate sugar बोल सकते हैं. आप कई सारे बुक में देखोगे कि triose phosphate लिखा है. So इसका मतलब है they are talking about 3-phosphoglyceraldehyde. Now this 3-phosphoglyceraldehyde it is total having 6 carbon atoms. यहां पे total 6 carbon atoms है. And out of this 6 carbon atom, 5 carbon will used up in regeneration. क्योंकि आपको पता है RUBP ये डार्क रिएक्शन के कंटिन्यू रहने की जरूरत है और उसके लिए RUBP का इंटैक्ट रहना जरूरी है, वापस RUBP का बनना जरूरी है, रीजनरेट होना जरूरी है. So, इसीलिए यहां पे 6 carbon में से 5 carbon जो है वो यूटिलाइज हो गया रीजनरेशन के लिए. एंड रीजनरेशन में 1 ATP इज रिक्वायर्ड. सो ये भी एक एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप ही होता है. अब आपने क्या देखा, ये जो एक साइकिल बन रही है
इस एक साइकिल में आपको सिर्फ एक ही कार्बन मिला एंड ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होता है, ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होता है. सो टू मेक वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यू नीड 6 केल्विन साइकिल. आपको 6 केल्विन साइकिल की जरूरत पड़ेगी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए. तो पहले मैं एक बार वापस ये स्टेप बता रही हूं. मैंने आपको बताया कि जो केल्विन साइकिल थे उसके 3 मेजर स्टेप है. 1 इज कार्बोक्सिलेशन, द अदर 1, ये दोनों जो है ये सेकेंड स्टेप में आता है जिसको हम रिडक्शन ही बोलते हैं. दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज रीजनरेशन इज द थर्ड स्टेप. तो कार्बोक्सिलेशन में यू गॉट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉस्फोराइजेशन होता है जहां पे, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स है इसलिए आपको 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी की जरूरत है, एंड यू विल गेट 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसके भी 2 मॉलिक्यूल्स. देन द रिडक्शन प्रोसेस विल अकर एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट विल बी रिलीज्ड एंड यू विल गेट ट्रायोज फॉस्फेट शुगर, दैट इज 3 फॉस्फोग्लिसरिल्डिहाइड. ये यहाँ पे टोटल 6 कार्बन है एंड 6 में से 5 कार्बन जो है वो रीजनरेशन प्रोसेस के लिए चले जाएंगे जिसमें आपको 1 एटीपी यूटिलाइज करना पड़ेगा. एंड आउट ऑफ दिस 6 कार्बन ओनली 1 विल बी अवेलेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फॉर ग्लूकोज यू नीड 6 कार्बन. सो एक केल्विन साइकिल में आपको 1 कार्बन मिल रहा है तो 6 कार्बन के लिए यू हैव टू गो थ्रू दिस केल्विन साइकिल 6 टाइम्स. तो अब हम करते हैं कैलकुलेशन. जब यहां पे लिख दिया है फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल यू नीड 6 केल्विन साइकिल, तो एक केल्विन साइकिल में इन 1 केल्विन साइकिल कितने एटीपी यूटिलाइज हो रहा है? 2+3, 3 एटीपी इज यूटिलाइज एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH2 इज यूटिलाइज. तो 6 केल्विन साइकिल में क्या होगा? 3 एटीपी इंटू 6, दैट इज 18 एटीपी एंड 12 NADPH2, क्योंकि 3 ये हो गया 2 NADPH2 एक साइकिल में, तो 2 6 12. सो 18 एटीपी एंड 12 NADPH2 इज रिक्वायर्ड फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल. तो मैं यहां पे लिख रही हूं फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू बी फॉर्म्ड यू नीड 18 एटीपी एंड 12 NADPH2. प्लीज रिमेंबर दिस इज अ क्वेश्चन फॉर नीट. नीट में ये पूछा जाएगा ही जाएगा. दिस साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो नीट में कैसे पूछ सकते हैं कि 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए आपको कितने एटीपी और NADPH2 की जरूरत होगी? तो आप बोल सकते हो आपको सिर्फ 18 में 6 मल्टीप्लाई करना है, 12 में 6 मल्टीप्लाई करना है. अगर ऐसा पूछे कि 10 केल्विन साइकिल में आपको कितने NADPH2 की जरूरत पड़ेगी, तो 3 × 10, 2 × 10. लाइकवाइज क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन नीट एग्जाम एंड ईच एंड एवरी स्टेप ओवर हियर इज इंपॉर्टेंट. तो केल्विन साइकिल में आपको 3 ही स्टेप दिख रहे हैं. कार्बोक्सिलेशन जहां पे रुबिस्को एंजाइम इन्वॉल्व है, देन इट इज रिडक्शन जिसके 2 फेजेस है. 1 इज रिडक्शन वेयर यू आर यूजिंग NADPH2 एंड द अदर 1 इज फॉस्फोराइलेशन एंड द थर्ड स्टेप इज रीजेनरेशन स्टेप. अब ये चीज मैंने आपको आपके टेक्स्ट बुक की बताई है. अब मैं आपको एक छोटा सा और कंटेंट बता रही हूं विच इज नॉट देयर इन योर टेक्स्ट बुक विच विल क्लियर योर डाउट. सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन आई विल मूव ऑन टू. अब होगा क्या, ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है इट विल कन्वर्ट इंटू फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट. ठीक है, तो आपको जब ये 6 टाइम्स चल जाएगी साइकिल, तो 6 टाइम के बाद
What you are getting here? Fructose 1,6 phosphate. 1,6 phosphate से आपको मिलेगा fructose 6 phosphate. Fructose 6 phosphate से आपको मिलेगा glucose 6 phosphate. And glucose 6 phosphate से आपको मिलेगा glucose. Remember this. मतलब आप इस direction में जाओगे तो respiration, इस direction में जाओगे तो photosynthesis. तो आपको ये याद, बस आपको ये समझाना था कि इस तरीके से होता है. अब अगर हम इक्वेशन बनाए केल्विन साइकिल का, तो केल्विन साइकिल में आपने 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपने 6 रुबिलोज बिसफॉस्फेट यूज किया, एंड 6 यूज किया तो दिस विल बी डबल, दैट इज 12. दिस विल बी डबल, दैट इज 12. दिस विल बी डबल, दैट इज 12. तो आप यहाँ पे कितना कार्बन कैलकुलेट कर रहे हो? 3 12 36 कार्बन. रीजनरेशन में आपको कितने कार्बन की जरूरत होगी? 3 5 30 कार्बन. तो 36 में से 30 कार्बन विल गो फॉर रीजनरेशन प्रोसेस. बचा कितना? 6 कार्बन. सो दिस इज द 6 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन. इन सब के एक एक मॉलिक्यूल ही बन रहे हैं. सो प्लीज बी वेरी श्योर अबाउट दिस. तो आपको याद रखना है कि 6 CO2 की जरूरत पड़ेगी, 6 RUBP की जरूरत पड़ेगी फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. सो दिस इज ऑल अबाउट द केल्विन साइकिल. होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर फिर भी आपको कुछ डाउट आ रहा है इस टॉपिक में, यू कैन फ्रीली कमेंट. आप मुझे मेल करके भी बता सकते हैं. सो आई विल ट्राई टू फाइंड आउट सम अदर सिंपल वे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. कीप लर्निंग, बी सेफ एंड गुड बाय.